What's up guys, Sunny here. OnePlus 9R, an Indian exclusive smartphone. OnePlus 9R सिर्फ इंडिया में लॉन्च किया गया और किसी भी कंट्री में शोकेस नहीं किया गया अभी के लिए तो ये सिर्फ वीडियो एक स्पेशली OnePlus 9R की कुछ स्पेशल बातों को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके सामने रखी है। तो सबसे पहले स्पेक्स पर नजर मारें। 6.55 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 870 एंड देन क्वाड कैमरा सेटअप ऑन द बैक, 16MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी विद 65W फास्ट चार्जिंग। स्नैपड्रैगन 870 की बात करें जो कि प्रोसेसर है तीनों स्मार्टफोन में जो डिफरेंशिएट करता है, तो OnePlus 9 एंड 9 Pro में स्नैपड्रैगन 888 है लेकिन इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 870 है। तो ये एक 7nm बेस्ड प्रोसेसर है, तो इस प्राइस रेंज में और बाकी के सारे 7nm बेस्ड प्रोसेसर से काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देगा क्योंकि ये 7nm बेस्ड जितने भी प्रोसेसर उसमें से टॉप एंड प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 870। तो इस प्राइस रेंज में इस प्रोसेसर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो में ज्यादा वर्सेस नहीं करने वाला हूं क्योंकि एक सिर्फ स्पेशली बाइंग गाइड फॉर OnePlus 9R। उसके बाद में बात करें, जैसे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि OnePlus 8T का एक बस कलर को मतलब कि चेंज करके या OnePlus 8T की शेप कर को दे दिया गया है। यहाँ पर एक मैं कमेंट पढ़ रहा था तो वहां पर था कि OnePlus 8T का जो 865 प्लस है उसको 865 प्लस प्लस करके 870 डाल के और हमें दे दिया गया। ऐसा नहीं है यार, OnePlus 8T में जो 865 प्लस है तो इसमें 870 है, तो इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स है प्रोसेसर में। तो यहाँ पे सारा कुछ डिपेंडिंग प्रोसेसर पर करता है, चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग हो या स्मार्टफोन की जैसे भी उसने ऑपरेट करना हो, तो ये सारा कुछ डिपेंडिंग प्रोसेसर पर करता है ना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो OnePlus 8T का ही मतलब एक सुधरा वर्जन है। OnePlus 8T की अभी कीमत है अराउंड 42,000 के आसपास और जो OnePlus 9 आ रहा है वो 39999 से शुरू होता है, तो वो 40,000 में भी मिल जाएगा OnePlus 8T। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि OnePlus 8T से काफी ज्यादा अच्छा है, इस स्मार्टफोन की जो स्पेक्स है वो OnePlus Note से काफी ऊपर है और OnePlus 9 का एक डाउनग्रेडेड वर्जन है। कैमरा की बात करें, मतलब मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा प्रोसेसर को, तो कैमरा की बात करें तो 48MP मेन कैमरा विद सोनी IMX586 जो कि OnePlus Nord में सेंसर था, बट यहाँ पे 16MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, उसमें 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा था, तो यहाँ पर जो इमेज जो अल्ट्रा वाइड एंगल में आपकी जो नॉइस है वो काफी ज्यादा अच्छे से कैंसिल हो जाएगी। 5MP मैक्रो एंड देन 2MP मोनोक्रोम है। तो यहाँ पे 16MP सेल्फी कैमरा है, मतलब कि जो बैक साइड में कैमरा है ना सोनी IMX586 काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा बिकॉज ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आते हैं, तो वीडियोग्राफी के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद में जो फ्रंट कैमरा वो 16MP सेल्फी कैमरा जो कि OnePlus 9 एंड 9 Pro में भी 16MP सेल्फी कैमरा ही है, तो हम ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर सकते कि OnePlus 9 में ये कैमरा और OnePlus 9R में ये, मतलब कि फ्रंट में तीनों कैमरा आपको सेम मिल रहे हैं, तो आपको एक OnePlus 9 Pro वाला एक्सपीरियंस OnePlus 9R में करने के लिए मिल रहा है कैमरा में। उसके बाद में डिस्प्ले सेम है, मतलब कि 6.55 इंच स्टैटिक रिफ्रेश रेट है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि OnePlus 9 में है। 9 Pro में रिजोल्यूशन चेंज हो जाता है, वहां 1440p रिजोल्यूशन है बट OnePlus 9 में 1080p ही है जो कि इसमें है। तो यहाँ पे स्टैटिक रिफ्रेश रेट है बट OnePlus 9 Pro में डायनेमिक रिफ्रेश रेट। डायनेमिक में क्या होता है कि आपका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ से नीचे ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टैटिक में वो 120 हर्ट्ज़ का 120 हर्ट्ज़ ही रहेगा। जैसे कि Note 20 Ultra में ले लो या OnePlus 9 Pro में ले लो, तो वो Note 20 Ultra में 20 हर्ट्ज़ तक स्विच कर सकता है लेकिन OnePlus 9 Pro में 1 हर्ट्ज़ तक, तो ये होता है डायनेमिक और दूसरा होता है स्टैटिक जो एक जगह रुका रहे। और मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ कि OnePlus ने इस मिड रेंज प्रीमियम सेगमेंट में अपना स्मार्टफोन क्यों रखा, क्योंकि काफी सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं S20 फैन एडिशन अभी जैसे इंडिया में है या उसका 5G एडिशन आ रहा है और उसके बाद में S21 FER है, तो और जा iPhone 10R iPhone 11, तो ऐसे सारे स्मार्टफोन मिड रेंज प्रीमियम सेगमेंट में हैं, तो OnePlus को भी लगा कि हमें भी अपना स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हम अपना जो कल को मतलब हमारे कस्टमर्स को ये ना फील हो कि OnePlus का इस प्राइस रेंज में कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। और मेरे को क्या लगता है कि आपको अगर 40,000 के आसपास स्मार्टफोन खरीदना है, दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन, मतलब मैं सभी में से बेस्ट नहीं कह रहा हूं कि द बेस्ट स्मार्टफोन इज, मतलब ये सबसे बेस्ट यही है, काफी सारी कमियां और सुधर सकता था स्मार्टफोन बट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा यार। मतलब iPhone 10R या iPhone 11 आज के टाइम में भी काफी लोग खरीद रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती आप दो साल ढाई ढाई साल पुराने स्मार्टफोन क्यों खरीद रहे हो, फिर चाहे वो iPhone ही क्यों ना, इतना पुराना स्मार्टफोन खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता ना यार। तो और जो इंडिया में मिड रेंज प्रीमियम सेगमेंट में आना बहुत ही जरूरी है हर एक स्मार्टफोन ब्रांड के लिए, नहीं तो वो जैसे मैंने कहा कि उसके स्मार्टफोन असल यूजर्स तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है ब्रांड। इस स्मार्टफोन में बस एक ही दिक्कत हो सकती है आपको कि वो IP रेटिंग नहीं है और हेडफोन जैक नहीं है, तो ये मतलब कि OnePlus ने पता ही है पिछले काफी स्मार्टफोन से स्किप करता ही आ रहा, और ना कि ना ही OnePlus 9 और 9 Pro में जो कि हम कहें कि उनमें हेडफोन जैक है, तो हेडफोन जैक नहीं है इस प्राइस रेंज में। जैसे OnePlus ने इंट्रोड्यूस किया तो आई थिंक यहाँ पे हेडफोन जैक दे सकता था OnePlus, बट यार अब नहीं है, तो मतलब कि वो तो आप अगर OnePlus को ही ट्राई करना चाहते हो, OnePlus की नई सीरीज आपने ट्राई करनी 9 सीरीज को एक सस्ते प्राइस में, तो आपको ये दो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, IP रेटिंग नहीं और हेडफोन जैक नहीं है। यहाँ पे एंड्रॉइड अथॉरिटी पर एक पोल रखा गया था आज से 6-7 महीने पहले कि आप सस्ता
मतलब कि आप अगर वन प्लस नाइन सीरीज में सस्ता स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप मतलब कि हाई एंड कैमरा स्पेक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा लोगों का पोल में जो आंसर था वो यही था कि हम एक सस्ता स्मार्टफोन चाहते हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही है, मतलब कि दूसरे लोगों के लिए नहीं अवेलेबल अभी तक। तो ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए अपॉर्चुनिटी रखी है वन प्लस ने, बाकी मतलब कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं भी आया और काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया भी है, मतलब कि कम लोगों को पसंद आया वैसे तो, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि इस प्राइस में यार काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है वन प्लस ने, मतलब कि जो स्नैपड्रैगन 870 से अगर आपको दिक्कत हो मैं बता देता हूँ इसकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, मतलब कि टॉप एंड परफॉर्मर है 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर में। तो ये प्रोसेसर की चिंता छोड़ दीजिए और मतलब कि डिस्प्ले भी सेम और फ्रंट कैम भी सेम है, मतलब कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं आपको, तो वो वन प्लस 9 प्रो वाली चीज़ें आपको एक सस्ते प्राइस में एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आपने वन प्लस के साथ जाना था या जाना है एक नई सीरीज में। वन प्लस 8T के ऊपर तो वन प्लस 9R मेरे को काफ़ी अच्छी चॉइस लगी है, और इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो 39999 है जो इसका बेस वेरिएंट, और जो इसका एक 12GB रैम और 256GB उसकी प्राइस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या स्मार्टफोन के लिए आपको क्या क्या पे करना पड़े। तो उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, आपको जो भी इस वीडियो के रिलेटेड कहना हो वो कमेंट्स में जरूर बताना यार, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट।